लुनामानियों मन कण दबाव में बिठा है, लुनामानियों मन कण दबाव में बिठा है। तो भाई साहब ऐसा सुनने में आया कि आप जो है इलेक्शन छोड़ रहे हो। सभी ग्रामवासियों का, युवा लड़का, युवा साथियों, माता बहनों, भाइयों, हम इलेक्शन छोड़ चुके हैं। कारण क्या है? कारण हम 5 साल के बाद में छोटा कब्र फेरा होगा। मैं ये कुछ गांव की दिक्कत है, कुछ घर की भी है, गृहस्थी भी है। हम 5 साल के बाद में फिर आएंगे मिरान के अंदर। कैसी समस्या है भाई साहब, कुछ बताना? गृहस्थी सारी है, गृहस्थी में आपको पता नहीं गृहस्थी में क्या हो जाता है इंसान के साथ में। तो हमने घर से कुछ हनुमानगढ़, हमारा कुछ राजस्थान में धंधा है, अनूपगढ़ में भी है। तो वो सब जुआ है कि और में है? नहीं, जुआ जुआ नहीं, हम तो बगता आदमी, यहाँ व्यापारी आदमी, यहाँ के लिए हमने कुछ काम करेंगे तो कुछ खाएंगे। इलेक्शन में क्या है, लेकिन युवा साथियों को आज भी वो करता हूँ। राम राम का सपोर्ट यार, जना जना। अरे राम राम का सपोर्ट, उसका काम आज भी कर दूंगा मैं। लोक मंत्री बन क्यों करें, आप उस टाइम करवा देंगे आज के दिन। तो जना जना मुंह बता रहे नाम, बालक बालक, बच्चा बच्चा, नाम हो रहा है दीपक धानक, दीपक धानक हो रही गांव में। देखो जी आज के पास भी हमारे पास दो महकमे से। अच्छा, CI-1 CI-2 पुलिस थाना तुसाम। इतना काम के लिए तो हम आज भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। सरकार एक तो मंत्री बने, पता करा हुआ है। हाँ। हमने तो पहले ही कर देंगे, हम तो खुद मंत्री बैठे आज के दिन। हम तो हमारा कुछ सब देखते हैं, हम दो प्लाट भी दे देंगे। अच्छा। और क्यों दे देंगे, मिलेंगे वो देश की सेवा में। सेवा दे दी हम तो मिराने की, हमने इलेक्शन तो नहीं, एक तो हम तो फकीर हाथ जोड़े के लिए सेवा उस तरह कर देंगे। हम कुछ तैयारी में चल रहे हैं गाँव की, जिस तरह अपना एक तारीख का अपना मिराने के अंदर शिवानी रोड पे अपने ऑफिस बना है। अच्छा। उसमें 100% महकमे की कोशिश करूंगा। किस चीज का ऑफिस है वो? ऑफिस किसी भाई को मिलना हो मेरे से, ऑफिस में मिलूंगा मैं। ऑफिस में आड़े मिरान में रखा थोड़ी इलेक्शन है, लड़ ले। ये इलेक्शन तो भाई साहब जिस तरह इलेक्शन में नहीं लड़ सकता है, 5 साल के बाद इलेक्शन पक्का अपना। लुनामानियों मन कण दबाव में बिठा है, ना अपने बच्चे को दबाव चल रहा है ना दबाव वाले। हाँ, और हम तो वैसे इतने बेरा पहली खुद हम तो माफिया गैंग के भी थे, हम तो खुद माफिया गैंग से जुड़े हुए थे पहले। तो हम तो दबाने आदमी तो कोई नहीं। सही बात, जुआ भी खेला है अपना, तो काम था ही जुआ भी खेला है। कण कम दिल पेरा कौन देखो, दारू कम ठेकेदार थे। अच्छा। 2013 में 2014 में शेरा कौड़ दिया था, जो दुआनी कोर्ट में ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी उसकी। हम उसके साथ में ठेका मिराने की दुकान चलाई है, राजस्थान में भी गाँव में रखे हैं 5-4 साल। तो हमें तो खुद ठेकेदार भी लिए, कण कम ठेका में जाकर खत्म हो रहा माफिया गैंग में। ठेकन तो वो जाकर करते खत्म होकर धंधा प्रसन्न रहा। तो हम तो सुधरने का मौका आ गया, तो हम सुधर लिए। हमना क्या करना, हम तो करे हैं इलेक्शन, लड़ेंगे पक्का 5 साल के बाद में हम तैयार। हाँ, तो ईब जो गांव राम तरत आस लाई बैठा है भाई दीपक खड़ा होगा, हमें वोट देंगे उन तक अपील है। मेरी अपील यहाँ से एक बार ये भाई खड़े हो रहे हैं, ईब ये गाँव के भाई खड़े हो रहे हैं इलेक्शन के अंदर, एक बार इनको दे दिया 5 साल मौका। ये कुछ करेंगे ना करेंगे, सरपंच आज भी बोल रहे हैं हमें सरपंच कुछ कार्रवाई करो थी ना करो, जब बेटी से ना करे तो उसकी बताओ मुझे, मेंबर ना करे तो मुझे बताओ। हम आज भी उसी ऐसा ITI लगवा दें सिर्फ पचपन, फिर BDC पे भी काम नहीं करेगा तो। अच्छा। हाँ, ये अपनी गस पक्की से है, कोई भी अन्य माफिया डोंट क्यू लगा लो, अन्य स्थलीय चलाऊंगे सरपंच हो या BDC हो, तो उसका तहलका का जवाब तहलके से दिया जाएगा मिलाने के अंदर। अच्छा। कहने का मतलब समझ गया मेरी बात को आप, कोई भी सरपंच गलत करो थी BDC करो, तहलका का जवाब तहलके से देगा सरपंच जाने खुद। ये हम वादा करते हैं मिरान के गांव से। चलो जी, ये थी खास रिपोर्ट भाई दीपक धानक जो है इलेक्शन छोड़ रहे हैं। बड़ी दुख भरी खबर है कि भाई दीपक धानक जिससे इतनी उम्मीद थी वो जो है इलेक्शन छोड़ना ना रहा है। और भाई कुछ और भी कहना चाहो तो वह भी सुन ले। हाँ भाई साहब, हम इलेक्शन छोड़ चुके हैं लेकिन 5 साल के अंदर फिर आएंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन छोड़ो ना, इलेक्शन हमने गैप दे दिया, भाइयों को मौका लड़ने दो, युवा सरपंच से BDC से लड़न दो, हम तो 5 साल के बाद फिर आएंगे मिलन के अंदर। तो मरा क्या ना सहताऊ, 5 साल का टाइम मंगा है तो हम तो बताऊ वाले पर क्या बस माफिया। किसी को भाई को तकलीफ हो तो मेरे पास फोन करो, आज भी हम उसे ऐसा मैं कमाया किसी अस्पताल भी स्कूल आज भी चेक करता रहूँ मैं। इलेक्शन में मंत्री बिना भी भाई हर इंसान को सेवक का वो मिलेगा, स्कूल भी चेक करेंगे, हॉस्पिटल भी, अन्यस्थल जो भी माफिया गैंग होगी, युवा लड़के होंगे, स्कूल का कोई भी फुकरापन देकर उनका सख्त इलाज होगा। तहलका का जवाब तहलके से उसका भी देंगे, आपके टावर कड़े रख लो भाई, मेरे पद से मुकदमा लग गया फिर हाथ दौड़ेंगे पैर पकड़ेंगे, तो उससे पहले आपका संभाल लिए तो गरीब ठीक करेंगे। हमने तो तहलका जवाब तहलके से देंगे, फिर किस तरह दी इलेक्शन तो देखो हम तो जनता से धरेंगे, तो मुकदमा हमारे पे हो जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी भाई गाँव मिराण की खास रिपोर्ट, खोज हरियाणा की, देखते रहो भाई।